This conference will now be recorded. Okay, great. Let's wait for a few minutes and then we will start. This conference will now be recorded. उसमें हमने कल कोचिंग और मेंटोरिंग के बाद हमने पास्ट पेपर का एक एनालिसिस किया था फर्स्ट चैप्टर का. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट बिजनेस की क्या होती है, कैसे उसे अफेक्ट करती है, एनवायरमेंटल फोर्सेज कौन कौन सी हैं जिन्हें फैक्टर्स भी कहते हैं, फोर्सेज भी कहते हैं, और किस तरह से वो फैक्टर्स बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. अच्छा, फर्स्ट टू चैप्टर्स जो कि आपकी ग्रिड के पार्ट ए को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन. लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मतलब लाइक अभी पिछले तीन चार अटैम्प्ट से जो एक पैटर्न मैं देख रहा हूँ, तो ये होता है कि एक अटैम्प्ट में सेकेंड चैप्टर डोमिनेट करता है तो अगली अटैम्प्ट में फर्स्ट चैप्टर डोमिनेट करता है. लाइक किसी अटैम्प्ट में सेकेंड चैप्टर में से कोई इकट्ठे 15-20 नंबर आ जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी अटैम्प्ट में फर्स्ट चैप्टर डोमिनेट करता है तो सेकेंड में से मार्क्स कम हो जाते हैं. तो ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है. बट वन वे और द अदर बोथ चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली यू नेवर नो कब एग्जामिनर किस चैप्टर को डोमिनेट करवा दें. तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में प्राइमरली हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है. अच्छा, इन द मीन टाइम मार्क कर लें, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट जो है आपका वो फ्राइडे को स्केड्यूल्ड है. ओके, टेस्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. और टेस्ट आपका जो है वो पहली पांच थियरीज का हमने टेस्ट किया था ना, फिर मायो तक कर दिया था हमने टेस्ट. आई एम नॉट श्योर कहाँ तक किया था टेस्ट, आपको याद है कुछ, हमने टेस्ट कहाँ तक किया था? पहला टेस्ट आपका किस टॉपिक तक हुआ था? हाँ नहीं नहीं रोजमेरी, हाँ फर्स्ट फाइव थियरीज का एग्जैक्टली. हाँ ठीक है, फर्स्ट फाइव थियरीज का वो. तो यहाँ से आगे एल्टन मायो से ऑनवर्ड चैप्टर के एंड तक, एल्टन मायो से ऑनवर्ड अप टिल द एंड ऑफ द चैप्टर आपका टेस्ट इंशाल्लाह होगा फ्राइडे को. ठीक है, और फ्राइडे को राइट आफ्टर फ्राइडे प्रेयर टेस्ट अपलोड हो जाएगा. फ्राइडे को हम लोग क्लास नहीं करेंगे, आई माइट बी ट्रैवलिंग आउट स्टेशन ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे वी आर नॉट गोइंग टू हैव आवर क्लास, रेगुलर क्लास. फ्राइडे को आप सिर्फ टेस्ट देंगे, ठीक है, और टेस्ट के बाद इंशाल्लाह फिर उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैव व्हाट वी सी द इम्पैक्ट ऑन ऑफ द बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द बिजनेस, बिजनेस की एनवायरनमेंट के ऊपर, बिजनेस की एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है. ठीक, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. एनवायरनमेंट कहते हैं हर उस कंपोनेंट को, हर उस एलिमेंट को, हर उस एंटिटी को जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करती है. ठीक, एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करती है, हम उसे उसकी एनवायरनमेंट कहते हैं. वो चाहे कस्टमर्स हैं, वो चाहे उसके सप्लायर्स हैं, वो चाहे उसकी गवर्नमेंट है, लेट्स से. तो और दो कंडीशंस होती हैं मेंबर एनवायरनमेंट की. इफ़ यू डिफाइन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हैज टू कंडीशंस. नंबर वन, एनीथिंग दैट फॉल्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर वो चीज़ जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करें. एंड सेकेंडली, इट शुड अफेक्ट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हाउ इट डज. एक इदारा क्या करता है और कैसे करता है, लाइक एनवायरमेंटल फोर्सेज जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं, और आपको उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ता है. क्योंकि जब भी प्रेशर्स आते हैं बाहर से, जब भी एनवायरमेंट में कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है. इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, अगर कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं तो इदारों को उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट लाइन्स को चेंज करना पड़ेगा. तो कस्टमर की नीड जो है दैट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर. कहाँ से निकल रहा, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स से निकल रहा है. एनवायरनमेंट को स्टडी करने का एक मॉडल है जिसे हम पेस्टल कहते हैं, डिस्कस करते हैं. या फॉर एग्जाम्पल, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से आपकी कंपनीज जो हैं उनका वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स में पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होते थे, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम हुआ करते थे. नाउ वी हैव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन द बैंक्स. अब हमारे पास बैंक्स में कंप्यूटर्स मौजूद हैं, अब हम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करते.
तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से बिजनेस प्रोसेसेस चेंज हो गए। इसी तरह गवर्नमेंट के इशूज होते हैं, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो हर आने वाली गवर्नमेंट अपने अपने इंटरेस्ट लेके आती है, अपने अपने मैंडेट्स लेके आती है, और ये उनके जो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट हैं वो वे ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली एनवायरमेंट डिटरमिन्स द प्रेशर्स एंड चेंजेस दैट विल इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल देन रिस्पॉन्ड टू दैट चेंज। फिर वो इदारा जो है वो उसको उस चेंज को रिस्पॉन्ड करता है। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन टू एनालाइज द एनवायरमेंट फर्स्ट। फिर ये ज़रूरी है कि आप एनवायरमेंट का एनालिसिस करें। जो लोग अभी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ, उनके लिए मैं क्विक रिव्यू करवा दूँ। हमने सेकंड चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है, दैट इज एनवायरमेंट। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंट में हम मेनली दो मेन एरियाज को कवर करेंगे। एक हम पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरमेंट और एक हम पढ़ेंगे कंपेटिटिव एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट जो है ये डील करती है ब्रॉड लेवल ऑफ एनवायरमेंट के साथ, जहाँ पे आपकी एनवायरमेंट कंट्री लेवल पे डिटरमिन की जाती है। लाइक अगर ब्रॉडली मैं आपको बताऊँ तो एनवायरमेंट की तीन लेयर्स होती है, थ्री लेयर्स ऑफ एनवायरमेंट। एक होती है मैक्रो, एक होती है कंपेटिटिव और एक होती है माइक्रो, ठीक है। सो दैट थ्री लेयर्स ऑफ एनवायरमेंट, मैक्रो बीइंग द ब्रॉडेस्ट वन। ये बोर्ड का सॉफ्टवेयर चला दो फिर आपको बताता हूँ। मैक्रो बीइंग द ब्रॉडेस्ट वन, कंपेटिटिव द नेक्स्ट लेवल जिसमें आप इंडस्ट्री लेवल कॉम्पिटिशन को स्टडी करते हैं, एंड देन वी हैव माइक्रो। और माइक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो में हम जो माइक्रो लेवल फोर्सेज हैं जैसे कस्टमर्स हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल सप्लायर्स हैं, इनको स्टडी करते हैं, ठीक। तो हमारा जो कोर्स है वो एनवायरनमेंट के दो लेवल्स तक महदूद है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली टू लेवल्स, मैक्रो एंड कंपेटिटिव, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एनवायरनमेंट के मेनली तीन लेवल्स पाए जाते हैं। वी हैव थ्री लेवल्स, एट द ब्रॉडेस्ट लेवल वी हैव मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट होती है कंट्री लेवल एनवायरनमेंट, दिस इज कंट्री, यानी हर कंट्री की मैक्रो एनवायरनमेंट डिफरेंट होगी। अमेरिका की मैक्रो एनवायरनमेंट और होगी, अमेरिका की पॉलिटिकल फैक्टर्स और होंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और होंगे, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स और होंगे। मैक्रो के नीचे पाई जाती है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो होती है दैट डील्स विद द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन कितना है, एनवायरनमेंट के अंदर जो आपकी ओवरऑल फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कंपटीशन को। कंपेटिटिव लेवल पे आपकी बुक में हम चार मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, चारों बड़े ही इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। पहला मॉडल इसमें फ्रॉड एनालिसिस का है, दूसरा इसमें मॉडल है जेनेरिक स्ट्रेटजीज का, देर आर सम जेनेरिक स्ट्रेटजीज ऑफ बिजनेस। तीसरा इसमें है वैल्यू चेन का मॉडल, और चौथा इसके अंदर है फाइव फोर्सेज मॉडल। सो देर आर डिफरेंट बिजनेस कंपेटिटिव मॉडल्स। मैक्रो में हम मेजरली एक मॉडल की बात करेंगे, दैट इज पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड लीगल फैक्टर्स। और यहाँ पे पाई जाती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। हियर यू हैव योर ऑर्गेनाइजेशन। योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टू लेयर्स ऑफ, मेनली द टू लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, मैक्रो एंड कंपेटिटिव। मैक्रो बीइंग द ब्रॉडेस्ट लेयर, ब्रॉडेस्ट लेयर होती है, और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द नेचर ऑफ कंपटीशन और किस तरह इदारे उस कंपटीशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। एनवायरनमेंट की अगर डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनीथिंग, एनी फैक्टर, एनी एंटिटी जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करे उसकी एनवायरनमेंट कहलाती है। जो एक इदारे की बाउंड्री के बाहर फॉल करे हम उसे उसकी एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की जो एनवायरनमेंट है ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर डिटरमिन की जाती है, और ये फैक्टर्स जो हैं ये सारे के सारे कोलैबोरेट होते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो फिर एक इदारा रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैथड टू एनालाइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज ग्रुप्ड एज पेस्टल एनालिसिस। पहले इसे पेस्ट कहते थे, पहले ये पेस्ट कहलाता था। पोलिटिकल एंड लीगल, लीगल फैक्टर्स को पहले हम पोलिटिकल फैक्टर के साथ ही समझते थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो डेमोग्राफिक या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। फिर ओवर द लास्ट 20 ईयर्स
फिजिकल एनवायरनमेंट पे बहुत काम हुआ है, यूज ऑफ रिसोर्सेज पे, कार्बन फुटप्रिंटिंग पे, ये आगे जाके पढ़ेंगे क्या होती है कार्बन फुटप्रिंट, आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। तो उसमें फिर उन्होंने एक नया फैक्टर ऐड कर दिया, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इकोलॉजिकल फैक्टर्स, और उसके अलावा लीगल फैक्टर्स को पॉलिटिकल फैक्टर्स से भी सेपरेट करके उसकी एक अलग हेडिंग बना दी है, क्योंकि लीगल फैक्टर्स बाज दफ़ा गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट खुद रेगुलेट नहीं कर रही होती, बल्कि वो लॉज जो हैं वो इंटरनेशनल बॉडीज से रेगुलेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ISO की मिसाल ले लें, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूरोपियन यूनियन की एग्ज़ाम्पल लें। यूरोपियन यूनियन जो है ये एक ऐसा इदारा है जो 26 ममालिक को लुक आफ्टर करता है। तो अगर यूरोपियन यूनियन कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस कराए तो उसका इम्पैक्ट फिर सिर्फ एक कंट्री पे नहीं आएगा, और ये गवर्नमेंट की डिसाइसिव अथॉरिटी से हटके होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ व्हाट यू कैन से नॉट एज क्लियर कि लीगल फैक्टर्स हमेशा गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में फॉल नहीं करते। तो एट टाइम्स वी ऑल्सो डिस्कस द लीगल फैक्टर्स सेपरेटली, हम लीगल फैक्टर्स को सेपरेटली डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनवायरनमेंट का पर्पज होता है, ये मेनली होता है एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को समझना, किसी एनवायरनमेंट के चेंजेस को अंडरस्टैंड करना। इसी तरह अभी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की, एक होता है कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, एक और मेथड भी है एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का, लेकिन ये इंडस्ट्री लेवल पे होता है, इसे हम फाइव फोर्सेस मॉडल कहते हैं, जी हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास जो एनवायरनमेंट को इवेलुएट करने का मॉडल है वो पेस्टल है। अच्छा, पेस्टल को अप्लाई क्यों करते हैं, वाई डू वी अप्लाई पेस्टल? ठीक है, वाई डू वी अप्लाई पेस्टल? पेस्टल और ये होता है एनवायरमेंटल चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, रिमेंबर दैट। There is only one purpose to apply PESTEL, and that is to understand the consequences. और consequences की दो शक्लें होती हैं। जब भी कोई change आता है, either it might bring a threat or it might bring you an opportunity. जब भी कोई change आता है वो आपके लिए threat लेके आएगा या वो आपके लिए opportunity लेके आएगा। For example, आजकल देखें हर business ने online buying and selling start की हुई है। पहले जो that's an opportunity. टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई फॉर द बिजनेसेस। अच्छा, बैंक्स में पहले मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम हुआ करते थे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं आपके वो सारे मैनुअल लेजर्स पे होते थे। फिर कंप्यूटर्स आ गए, और कंप्यूटर्स के आने की वजह से बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनको ये थ्रेट फील हुआ कि अब उन्हें या वो कंप्यूटर्स पे स्विच करें या फिर वो बैंकिंग बंद कर दें। दैट वाज अ थ्रेट। एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आएगा, रिमेंबर दैट इट विल ईदर ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी और इट माइट ब्रिंग अ थ्रेट। अगर वो चेंज आपको अलाउ करे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को बेहतर तरीके से टैप कर सकें, बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें, सो इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। और अगर वो एनवायरनमेंट का चेंज आपको रिजिस्ट करे, अगर वो एनवायरनमेंट का चेंज आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको हिंडर करे, आपको अलाउ ना करे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को अप्रोप्रिएटली टारगेट कर सकें, सो देन इट विल बिकम अ थ्रेट। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैन करने का मतलब है कि एनवायरमेंट में आने वाले चेंजेस की मॉनिटरिंग करना। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ये है कि आप आने वाले जो चेंजेस हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हो। अ न्यू लॉ कुड बी अथर्ड इन द सेंस मिनिमम एग्जैक्टली। बिल्कुल हाँ, अभी मैं आ रहा था इस पॉइंट के ऊपर कि एक चेंज किसी एक इदारे के लिए अगर थ्रेट है तो वो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। एग्जैक्टली, चेंज इन एनी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स में कोई चेंज आता है, कस्टमर की डिमांड या बाइंग पैटर्न चेंज होता है, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट बन सकता है, किसी के लिए वो नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और जब ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो इट वॉज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी बिजनेसेस। नए नए ऑनलाइन बिजनेसेस जो है मार्केट में आ गए, बट इट वॉज अगेन अ थ्रेट फॉर अदर्स के जो ऑलरेडी एक कन्वेंशनल सिस्टम में ऑपरेट कर रहे थे बिजनेसेस, उनके लिए वो थ्रेट था कि या तो वो ऑनलाइन बिजनेस में स्विच करें, यानी अपनी ऑनलाइन बिजनेस भी इनिशिएट करें। जैसे खाड़ी की मिसाल ले लें, आप khadi.com पर जाके आप ऑनलाइन फैब्रिक परचेज कर सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज किसी के लिए थ्रेट होता है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। दैट्स वेरी फेयर।
स्कैनिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग, टेस्ट एनालिसिस एक टूल है, इसे हम ऐसा टूल यूज करते हैं, टेस्ट एनालिसिस है, इसको हम ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं एनवायरमेंट को स्कैन करने के लिए, वी यूज टेस्ट एनालिसिस एज अ टूल टू स्कैन द ओवरऑल एनवायरमेंट, और इस टूल को यूज करते हुए आप ये मेजर या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर फैक्टर में आने वाला चेंज ज्यादा डीपली अफेक्ट करेगा आपकी प्रैक्टिसेस को, किस पर्टिकुलर फैक्टर में आने वाला चेंज कम अफेक्ट करेगा आपकी प्रैक्टिसेस को। ये पॉसिबल नहीं है कि छह के छह फैक्टर्स में जब चेंज आएगा तो वो इक्वली अफेक्ट करेगा इदारे को, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल एक मैनुफैक्चरिंग कंपनी है और एक एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक। अच्छा, जब गवर्नमेंट कोई नया लॉ इम्पोज करती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे होगा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे होगा? वालेकुम अस्सलाम नबी। सो व्हाट डू यू थिंक, वेदर दिस लॉ वुड अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोर और वुड इट अफेक्ट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मोर? गवर्नमेंट एक नया लॉ इम्पोज कर रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, इसका इम्पैक्ट आपके शहर में ज्यादा किस पे आएगा? मैनुफैक्चरिंग सेक्टर पे आएगा या तालीमी इदारे भी आएगा? डेफिनेटली मैनुफैक्चरिंग पे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है जिसे आप इम्पोर्ट करते हैं। नमस्कार टाइम हमारा क्या है आज के दोपहर कितने बजे? 1:30 नहीं हो रही, आई गेस 1:30 भी हो रही है दोपहर की, नहीं 1:45 की हो रही। अच्छा 2 बजे हो रही, ओके रांची में 2 बजे, सही सही सही। फिर अच्छा अगर 2 बजे के बाद क्लास स्टार्ट करना तो टू लेट, क्योंकि मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम 2:30 बजे तक हो सकती है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम मिशन वाले 5 मिनट ब्रेक कर सकते हैं कि आप जल्दी से जाकर बस सर्च करके आ जाएं, क्योंकि मैनेज करना होता है ना टाइम को ऐसे। इफ़ यू वांट टू ऑफर प्रेयर ऑन टाइम तो इट्स एनफ कि आप 5 मिनट्स में सर्च करके आ जाएं, बाकी नमाज फिर आप क्लास के बाद कम्प्लीट कर सकते हैं, दिस इज समथिंग विच आई कैन हेल्प, ठीक है। तो आप क्लास को टाइम पर ज्वाइन कर लिया करें, और एज सून एज वी स्टार्ट यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट कि नमाज का टाइम हो गया तो हम फिर बीच में 5 मिनट की एक क्विक ब्रेक ले सकते हैं, आई हैव नो इशू इन दैट, ठीक। ओके, तो स्कैनिंग का जो प्रोसेस होता है ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक मेजर करें कि उनको किस किस एरिया में चेंज करना है, और ये स्कैनिंग का जो प्रोसेस है ये आपको बताता है कि आपके लिए कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक जी। ओवरऑल मैं रिव्यू क्लास के एंड पे दे दूंगा, हमने जो डिस्कस किया है, और इन एनी केस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट लेक्चर। ऑनलाइन स्टूडेंट होने का ये एडवांटेज है कि यू कैन ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू स्टडीड इन द क्लास आफ्टर द लेक्चर इज ओवर। सो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्कैनिंग आप करते हैं एनवायरनमेंट की व्हेन यू आर मोर इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और ये सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हैं ये आपके फ्राइडे को टेस्ट है हमारा स्केड्यूल्ड, और पहले टेस्ट से ऑनवर्ड एंड तक फर्स्ट चैप्टर। पहला टेस्ट हमारा हुआ था रोजमेरी स्टीवर्ट तक, आई गेस स्टीवर्ट तक हुआ था, पहली 5 थेरीज और 3 टॉपिक्स। तो एल्टन मायो से स्टार्ट करेंगे, एल्टन मायो इंक्लूडेड होगा टेस्ट में, और एल्टन मायो से लेकर मैनेजमेंट स्किल्स सारे एंड तक, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट का रिमेनिंग टेस्ट है स्केड्यूल्ड ऑन फ्राइडे आफ्टर जुमा प्रेयर्स। टेस्ट एनालिसिस ये देखें, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन कंसिडरिंग के विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर्सेज एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजेस एंड टू दोज डेवलपमेंट। सबसे सिग्निफिकेंट फोर्सेज कौन कौन सी हैं और एक इदारा जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा उन चेंजेस को या उन फोर्सेज को। टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, टेस्ट समझ नहीं आया कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देख लें स्क्रीन पे देख लें। एल्टन मायो की थ्योरी है जो डिस्कस की थी हमने, यहां से हेडिंग 2.6 से स्टार्ट करेंगे, हेडिंग 2.6 से स्टार्ट करेंगे, पेज है 10 और चैप्टर एंड हो रहा है आपका पेज नंबर 26, ठीक है 26 नंबर तक यहाँ तक जाएंगे, ऑलराइट।
16 pages, rather 17 pages. Okay, so significance of the environmental change on the organization can be different depending upon ke idara kis kisam ki industry mein kaam kar raha hai aur ye influences which change bhi hote hain waqt ke sath sath. So understanding the environment ek ongoing activity hai. Ye matlab ye nahi ki aapne ek dafa festival perform kar liya to bas aapne sari aur ka kaam kar liya. Nahi, normally organization yearly basis pe ya after 2 years ya after even 3 years idare jo hai wo ye kaam karte hain. Idare jo hai wo environmental scanning karte hain. Theek hai, environmental scanning do cheeze create karti hai aapke liye. Either they can identify you some threats or environmental scanning can let you know some opportunities. Threats wo factors hain un environment mein that might prevent an organization from achieving its objectives or that might bring such a change jo ek idara nahi chahta ki wo change laaye, warna unhe apna course of action badalna padega. Jaise maine example di banks ki, jab technology aayi thi to ye threat tha banks ke liye. So banks bade comfortable the मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर एंड दे वर डूइंग वेरी गुड, स्पेशली जो हमारे गवर्नमेंट बैंक थे. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको काफ़ी बिजनेस मिला इसकी वजह से. दैट वाज अ थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट बैंक्स एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द कमर्शियल बैंक्स. अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट गिव्स यू और दैट अलाउज यू टू अचीव योर गोल्स मोर सक्सेसफुली, टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव इन अ बेटर वे. आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपको एक बेहतर तौर पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग. तो अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर से अवेयर हैं तो आप ऐसे डिसीजंस लेंगे और ऐसे एक्शन भी लेंगे जो सपोर्ट होंगे एनवायरमेंट से, बिकॉज योर डिसीजंस आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द एनवायरमेंट. इसकी बेशुमार एग्जाम्पल है, मैं दो तीन एग्जाम्पल्स कोट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखते हैं कि ये हम पानी जो है ये परचेज करके पीते हैं. वी परचेज वाटर टू ड्रिंक, नेस्ले का, एक्वाफीना का, ठीक है, हम पानी को परचेज करके पीते हैं. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग ड्रिंकिंग वाटर. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग ड्रिंकिंग वाटर. आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो 20 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि पानी भी खरीद के पिया जा सकता है. टैप वाटर वॉज द ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. लेकिन फिर एक चेंज आया. चेंज आया किस में? एनवायरनमेंट में. कैसे? पोल्यूशन बढ़ गई, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कम हो गई. उसके बाद एक चेंज आया किस चीज के अंदर? कस्टमर की नीड्स के अंदर. कस्टमर स्टार्टेड डिमांडिंग मोर हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, मोर हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स. तो ये चीजें सामने रखते हुए फिर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि फाइन, दे शुड नाउ कम अप विद सच अ प्रोडक्ट दैट वुड सेटिस्फाई दिस नीड ऑफ द कस्टमर, कि वो कस्टमर की इस नीड को सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो दे एक्चुअली क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी जिससे कस्टमर की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हुई. इसी तरह इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ, ये बड़ी एक और इसकी मिसाल मिलती है आपको, क्रीम और उबर की. आवाज कट रही है मेरी और एम आई क्लियर? ओके गुड. चल तो क्रीम और उबर का एग्जाम्पल ले लें. अच्छा, क्रीम और उबर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया आपको? इसे हम शेयर्ड इकोनॉमी कहते हैं. दिस फिनोमेना इज नोन एज शेयर्ड इकोनॉमी. शेयर्ड इकोनॉमी का मतलब होता है, नवीद फिर आपके एंड पे मसला है ना बेटा, अपना नेट कनेक्शन देखें या अपना चेक करें ना अपना, क्योंकि अगर बाकी को क्लियर है तो इट मीन मेरे से प्रॉब्लम नहीं. इफ अदर्स कैन लिसन मी प्रॉपरली देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट माई एंड. यू कैन चेक योर कनेक्शन, यू कैन रीकनेक्ट. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि इंटरनेट का दौर आया. इंटरनेट के बाद फिर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गई. ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई. एन अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड एंड दैट अपॉर्चुनिटी वाज देन टैप्ड बाय दिस ऑफ शेयर्ड इकोनॉमी के जी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हायर किया जाए. गाड़ी भी अपनी हो, फ्यूल भी अपना हो, और सिर्फ उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कनेक्ट करना है एक ऐप के थ्रू कस्टमर को, राइडर को, विद द ड्राइवर. ठीक है, दे ओनली हैव टू कनेक्ट, दे ओनली हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर. नाउ दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी वॉज क्रिएटेड बाय द चेंज इन टेक्नोलॉजी, द टी फैक्टर ऑफ पेस्टल.
फेस्टिवल के टी फैक्टर से ये चेंज आया ना। इसी तरह लेट्स से गवर्नमेंट को नया लॉ इम्पोज कर देती है ऑन प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, गवर्नमेंट को नया लॉ लगा देती है कि अब आप नेचुरल रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करेंगे और अब आप मैन मेड रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो अब इससे इदारे भी चेंज होंगे, अब इससे इदारों को अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, नो दैट कैन बी अ थ्रेट टू देम। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने का मकसद है कि आप अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और आप बिजनेस एनवायरमेंट की अवेयरनेस से अपने आप को आगाह करें एट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो ये चैप्टर जो है ये कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को डिस्क्राइब करेगा एंड दोज इन्फ्लुएंसेस शुड बी अंडरस्टूड सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एग्जामिनेशन में पिस्टल के ऊपर क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से आता है। एक तरीका ये है इसमें से, जो अभी तक इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं वैसे पिस्टल के, एक क्वेश्चन इसमें इस तरह आता है कि पिस्टल के जो छः फैक्टर्स हैं उनमें से एग्जामिनर किसी एक फैक्टर पर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पुट कर देता है। जैसे अभी तक इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे क्वेश्चन आया है नॉलेज बेस्ड, या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। अभी रिसेंटली मार्च 2018 में एग्जामिनर ने एक यूनिक क्वेश्चन पुट किया। एग्जामिनर ने केस स्टडी दे दी, थॉरो केस स्टडी दे दी 12 मार्क्स की, जिससे उसने कहा कि पूरा पिस्टल मॉडल अप्लाई करें और बताएं कि कौन कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स हैं जो उस बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे थे, जिस भी बिजनेस के बारे में बात की गई थी केस स्टडी के अंदर। एंड दैट क्वेश्चन वाज ऑफ 12 मार्क्स, ये 12 मार्क्स का सवाल था। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। सो यू शुड अंडरस्टैंड द पेस्टल मॉडल एट द कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल पे आपने इस मॉडल को समझना है ताकि आप इस मॉडल को किसी भी गिवन सिचुएशन में अप्लाई कर सकें। दिस मॉडल शुड बी अंडरस्टूड एट कंसेप्चुअल लेवल ताकि आप इस मॉडल को प्रिसाइजली अप्लाई कर सकें गिवन सिचुएशन के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स जंप इन द फैक्टर्स वन बाय वन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कहने को हम एक्चुअल में लीगल फैक्टर को अलग कर देते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट ही लॉस को गवर्न करती है ना, गवर्नमेंट ही लॉस को इंड्यूस करती है। तो फॉर दैट पर्पज हम पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को इकट्ठे पढ़ेंगे। वी विल स्टडी दीज टू फैक्टर्स टूगेदर। पोलिटिकल फैक्टर्स होते क्या है, इनका स्कोप क्या होता है, किस तरह पोलिटिकल डिसीजन जो हैं और चेंज इन लॉज जो हैं ये बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ दीज डिसीजन कैन बी ड्रिवन इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पोलिटिकल कंडीशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं, ऑब्वियसली लॉज भी हर मुल्क के डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी हर मुल्क के डिफरेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। सो वी हैव दीज डिफरेंट फैक्टर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अगेंस्ट, ठीक है। एंड फॉर दैट पर्पज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू सी कि किसी भी मुल्क में पोलिटिकल फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या है, किसी भी मुल्क में लीगल फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या है, ये चीजें हम यहाँ से निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स की मिसालें आपके सामने हैं, लाइक दीज आर सम ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर्स। जब भी गवर्नमेंट आती है तो वो इन इन चीजों को चेंज करती है या इन इन चीजों में अपना इंटरेस्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जब भी आएगी वो आके या नेशनलाइज करेगी या प्राइवेटाइज करेगी किसी भी इंडस्ट्री को, और जब आप किसी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करते हैं या प्राइवेटाइज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री में प्लेयर्स पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जब भुट्टो आया था तो भुट्टो ने आके बैंक्स को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी, भुट्टो ट्राइड टू नेशनलाइज द बैंक्स, ठीक। कुछ कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्री पूरी नेशनलाइज होती है, कुछ कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज होती है, कुछ कंट्रीज के अंदर पार्शियल गवर्नमेंट ओन्ड होती है, पार्शियल होती है। आप हिंदी इकॉनमी में काम है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर एक होती है प्लैंड इकॉनमी, एक होती है फ्री मार्केट इकॉनमी और एक होती है मिक्स्ड इकॉनमी, पढ़ी नहीं चीजें आपने। चाइना इज प्योरली नेशनलाइज, बिल्कुल चाइना जो है वो नेशनलाइज है, चाइना की जो इकॉनमी है दैट इज सोशलिस्ट इकॉनमी, सोशलिज्म है वहाँ पे। चाइना में सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के पास है, इसके बरस पाकिस्तान एक मिक्स मार्केट इकॉनमी है, पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ इंडस्ट्रीज फ्री है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जब भी देखें चेंज इन गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो इनकमिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसको नेशनलाइज करना है
किस एग्जिस्टिंग कमर्शियल बिजनेस की ओनरशिप ले लेनी है, उनसे टेक ओवर कर लेनी है, ठीक है। और या फिर इन अदर केसेस, किसी और केस में गवर्नमेंट माइट इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन, ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को डी नेशनलाइज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, नवाज शरीफ वॉज अबाउट टू डी नेशनलाइज PIA, जिसपे काफी राइट्स हुए थे, काफी मसले पैदा हुए थे, तो नवाज शरीफ जो है वो डी नेशनलाइज करने जा रहा था इसको PIA को, सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना, उसे प्राइवेटाइज करना, उसकी ओनरशिप के इशूज को हैंडल करना, ये गवर्नमेंट का काम होता है। और गवर्नमेंट जब ऐसे डिसीजन लेती है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं इंडस्ट्रीज के लिए। दैट्स अ वेरी डिटेल्ड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय द गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस हाईली डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे हैव टू कम्यूट देयर गुड्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट। इसी तरह लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट, अभी तक पाकिस्तान में जो जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, जब जब नून लीग रही है पावर में, तो उनका ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। दे हैव ऑलवेज बिल्ट रोड्स, यू नो, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, उनका फोकस होता था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। जब मुशर्रफ का दौर था तो मुशर्रफ ने फोकस किया था, दैट वॉज बेस्ड ऑन सर्विसेज, एजुकेशन, उस पर काफ़ी काम किया था। नहीं, नॉट नेसेसरी, डी नेशनलाइजेशन कैन नेवर ऑलवेज बी बेनिफिशियल, स्पेशली फॉर अ कॉमन मैन, स्पेशली फॉर अ कॉमन मैन। जब आप एक इंडस्ट्री को डी नेशनलाइज कर देते हैं तो उस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक कंपनीज की प्राइसेज एकदम बढ़ जाती हैं, जिसका फायदा कभी भी एक आम आदमी को नहीं होता। सो डी नेशनलाइजेशन कैन नेवर बी अ गुड थिंग, एटलीस्ट फॉर अ कॉमन मैन, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसलिए ठीक है ना कि हमारे यहाँ पे नेशनल इदारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं तो आइडियल स्टेट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे इसलिए ठीक है कि यहाँ पे जो नेशनल एंटिटीज हैं वो ही परफॉर्म कर पा रहे, उन्हीं की परफॉर्मेंस है, उन पर सवालिया निशान लगे हुए हैं। अगर वो परफॉर्म कर रही हो तो फिर जरूरत नहीं है यहाँ पर डी नेशनलाइज करने की। बट बिकॉज वी आर अनएबल टू परफॉर्म इन पाकिस्तान, ओइंग टू दैट, यस वी कैन से यस डी नेशनलाइजेशन कैन बी अ सोल्यूशन, ये हल हो सकता है। But still, whether it's going to be a solution or not, again, you can't say anything with confirmation. So infrastructure, transport system, mostly dekha gaya hai ki road network or possibly all rail network, ye state owned hote hain, government own karti hai, government roads build karti hai, networks build karti hai, build karti hai rail network, taaki business activities jo hai wo better ho sake. और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है इसके बिजनेस के ऊपर। जैसे ये सी पैक की मिसाल ले रहे हैं, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सी पैक। सी पैक की एग्जांपल देखें अगर आप, तो सी पैक के अंदर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है कि आप देखें, वो एक जो आपकी बेल्ट बन रही है, जिसे वो ट्रेड बेल्ट कहते हैं, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, and that is something which can highly contribute, see, towards overall business development in the country. Business development jo hai wo aapke mulk mein bahut importantly contribute ki ja rahi hai. Isi tarah education ki misal le le, bahut sare mumalik mein ye government ki zimmedari hoti hai ki wo education provide kare logo ko, aur agar government ye karne mein nakam ho jati hai, that is a very huge setback, kyunki education se skill set pe farak padta hai, एजुकेशन से क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉज पे फर्क पड़ता है, एजुकेशन से आपकी ओवरऑल वर्क फोर्स बेहतर होती है, अच्छी होती है। सो एजुकेशन हैज अ डीप रिलेशनशिप विद द ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, एजुकेशन। इसी तरह एनवायरमेंटल पॉलिसी है, अब ये भी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एनवायरमेंट को और इसके अगेंस्ट फिर लॉज बनाती है। तो यहाँ पे लीगल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल पॉलिसी फैक्टर्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे लॉज भी चलेंगे कि गवर्नमेंट लॉज डिफाइन करती है कैसे पॉल्यूशन कम की जाए, वाटर और लैंड को कैसे प्रिजर्व किया जाए। पाकिस्तान में चूंकि हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है ना, हमारे यहाँ पे इस तरह से वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को मैनेज कर सकें। वी डोंट हैव रूल्स रेगुलेशन जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकें अपने एनवायरनमेंट को, ठीक। सो दिस इज हाउ द एनवायरनमेंट वर्क्स, दिस इज हाउ द एनवायरनमेंट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स द बिजनेसेस। अब जैसे अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आएगा
उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस के ऊपर, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी आपके यूज ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर, तो फिर बिजनेसेस जो है वो अपने प्रोडक्शन पॉलिसीज चेंज करेंगे, बिजनेसेस वुड देन मोर बी इंटरेस्टेड इन यूजिंग सम अदर रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज रादर देन कंज्यूमिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, अभी रिसेंटली सॉरी, अभी पीटीआई आई है गवर्नमेंट में, तो पीटीआई ने आते साथ ही अभी एक इंटरिम बजट लॉन्च किया है। और इंटरिम बजट में उन्होंने कुछ टैक्स बढ़ाया और इंटरिम बजट में उन्होंने कुछ सब्सिडीज भी दी है। अब जिस इंडस्ट्रीज में टैक्सेशन बढ़ी होगी वो डेफिनेटली इंडस्ट्री इफेक्ट हुई होगी, और फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने फिर अपनी प्राइसेस बढ़ा दी होंगी, कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेंगे। इसी तरह जिस इंडस्ट्री को सब्सिडी दी गई है वो इंडस्ट्री जो है वो अपनी प्राइसेस कम कर देगी। ठीक है, तो डिफरेंट फैक्टर्स आर देयर कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है फ्यूल के ऊपर, फ्यूल कंजम्पशन कम करें और आप ज्यादा कम्यूट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। ठीक है, इंटरनेशनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही लोग कम्यूट करते हैं, तो हम चौधरी हैं ना पाकिस्तान में कि हम अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं सड़क पे, आप देखें ना कभी अपने अपने शहरों में, यू कैन वेरी फेयरली सी के सड़क पे बेशुमार गाड़ियां जा रही हैं एंड ईच कार इज मेजोरिटी ऑफ द टाइम ड्रिवन बाय वन पर्सन। जस्ट इमेजिन के कितनी कॉस्ट बढ़ रही है कि एक इंडिविजुअल कम्यूट कर रहा है एंड इज ऑक्यूपाइंग अ ह्यूज स्पेस ऑन द रोड साइड, और वो उसके ऊपर फ्यूल भी कंज्यूम हो रहा है, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट, ये मेट्रो आ जाती है बीच में। इंटरनेशनली तो लोग ट्रेवल ही मेट्रो पे करते हैं, इंटरनेशनली तो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट पे तो ट्रेवल करना बहुत महंगा है, क्योंकि इनफैक्ट यूके में पार्किंग टिकट जो है दैट इज लाइक सम हाउ 80 pounds लेट से, काफी महंगी है। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखिए इतनी महंगी टिकट है पार्किंग, पार्किंग बहुत महंगी है दुनिया में, अमेरिका में, यूके में, दे डिस्करेज यू टू टेक योर कार्स टू द रोड, क्योंकि उससे क्या होता है हाँ पर आवर पार्किंग चार्ज होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, और ठीक ठाक चार्ज करते हैं, दे चार्ज अलॉट। ठीक, इसलिए कि वो डिस्करेज करते हैं कि आप अपने पोर्श से गाड़ी निकालें ना, गैराज में रखें गाड़ी, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस लिए दी थी आपको। बट हेयर इन पाकिस्तान वी आर ब्लेस्ड कि हमें दाल सब्जी भी लेने जाना है तो हमें गाड़ी पे जाना है, लेट से हम अगर सब्जी लेने जा रहे तो भी हम गाड़ी निकाल के जाना सब्जी लेके आते हैं। एनी, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट कुछ टैक्सेशन लगाती है, सब्सिडीज देती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है किसी स्किल बिल्डिंग के लिए, कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर स्किल को बिल्ड करने के लिए, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस मैनेजमेंट। बास इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, बास इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा बिजनेस। तो ये बेसिकली 6 फैक्टर्स हैं, दीज आर 6 key factors रादर 5 फैक्टर्स हैं, एंड दीज 5 फैक्टर्स नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड टैक्सेशन, और ये पांचों फैक्टर जो हैं ये बिजनेस की एक्टिविटीज को बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं, बहुत प्रिसाइजली अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, 2007 में एक लार्ज शिपमेंट कॉर्न की यूरोप से जो कि अमेरिका जा रही थी उसको वापस कर दिया गया, क्योंकि इट वॉज फाउंड के वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये वेजिटेबल्स हैं ये भी बड़ी इन है आजकल, तो ऑल दो यूएस में ये लीगल था, गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन में ये इलीगल था, तो अमेरिका को वो शिपमेंट वापस कर दी उन्होंने यूरोप ने। ठीक है, कि वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया उसको ना, दैट वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पोलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स बोथ, कि गवर्नमेंट ने एक लॉ डिफाइन किया हुआ कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न अपने मुल्क में इम्पोर्ट नहीं करने, और यूएस को वो शिपमेंट वापस कर दी कि यूएस में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न आर एक्सेप्टेबल बट दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन अमेरिका, सो दैट्स अ डिफरेंस। एनी क्वेश्चन सो फार, अभी तक कोई सवाल? ओके ग्रेट, लेट्स जस्ट क्विकली टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह बाकी डिटेल में कल जाएंगे। ओके, अथॉरिटी को हमने डिफाइन किया था लास्ट चैप्टर में। अथॉरिटी कहते हैं द एबिलिटी टू गिव ऑर्डर सो दैट द थिंग्स कैन बी डन एंड दे आर जस्टिफाइड एंड दे आर रैशनल। ठीक है,
accepted. Legal authority is always held mainly by the government, obviously, lekin aur sources bhi hoti hain. Aur environment mein agar dekhen to environment ki authority ki sources hai wo kahan kahan se aati hain. Teen main sources hain. Pehli source hai supranational body. Supranational kehte hain something that is occurring beyond the national level. Yani koi aisi body jo country ke bhi upar paayi jaye aur wo country ke bhi laws ko define kar sake. Jaise European Union EU. अब EU जो है, it has 26 countries. EU के अंदर 26 ममालिक हैं. पहले 27 थे, the Great Britain out हो गया. अब 26 ममालिक EU में शामिल. अब अगर European Union कोई law pass करती है, if European Union passes a law, so that law is definitely applied to all the 26 countries, regardless of the fact that individual countries क्या सोचती हैं. Regardless के individual countries जो हैं वो क्या सोचती हैं. तो यूरोपियन यूनियन से पास हुआ हुआ लॉ जो है वो इक्वली अप्लाई होगा हर मुल्क के ऊपर. इसे कहते हैं सुप्रा नेशनल बॉडी. इसी तरह फॉर एग्जांपल और बॉडीज भी हैं, जैसे सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, आईएमएफ, एग्जैक्टली आईएमएफ इज ऑल्सो अ सुप्रा नेशनल बॉडी, बिल्कुल. एंड फॉर सो मेनी अदर कंट्रीज, जहां जहां पे आप आईएमएफ से कर्जे लेते हैं, आईएमएफ जो है वो उन उन कंट्रीज को अपने अपने लॉ से अफेक्ट करती है. तो आईएमएफ इज अनदर सुप्रानेशनल बॉडी, एग्जैक्टली इट इज. और भी हैं बेशुमार एग्जांपल, हो सकती है यू कैन हैव एज एनी एग्जांपल एज यू कैन सी. तो सुप्रानेशनल बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी को जो अपने डिसीजन से एक कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर वो ऑपरेट करे, दैट ऑपरेट्स ओवर मल्टीपल मोर देन वन कंट्री. मेनली वर्ल्ड बैंक की मिसाल ले लें, वर्ल्ड बैंक जो है दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सुप्रानेशनल बॉडी. इसके बाद द सेकंड कैटेगरी इज नोन एज नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट हर मुल्क की अपनी होती है, हर मुल्क के कानून जो है उसकी नेशनल गवर्नमेंट डिफाइन करती है. जैसे एग्जाम्पल देता है यूरोपियन यूनियन की, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएसी, आईएसबी की. अब आईएसबी के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये मुख्तलिफ कंट्रीज में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, जो जो जिस जिस गवर्नमेंट ने उसके साथ एग्री किया है. सम सुप्रानेशनल बॉडीज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज इन मेनी कंट्री बट डू नॉट हैव द राइट टू एनफोर्स देयर विशेस. बहुत सारी बॉडीज कोशिश करती हैं लेकिन उनके पास डायरेक्ट राइट नहीं होता है एनफोर्स करने का. वर्ल्ड बैंक इसकी एग्जाम्पल है, यूएन इसकी एग्जाम्पल है. ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे प्रैक्टिस कर पाती हैं जो कंट्रीज या इनके एहसानों के बोझ तले दबी होती हैं या वो कंट्रीज हैं वो अभी इतनी पावर में नहीं होती. लेकिन बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं वो कोशिश करती हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अपनी पहचान को और अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी ओवरऑल अथॉरिटी को मनवाएं, लेकिन वो मनवा नहीं पाती. दे आर अनएबल फॉर दैट, ठीक है, दैट इज नोन एज सुप्रानेशनल बॉडी. द सेकेंड लेवल भी इज नेशनल गवर्नमेंट, वेरी सिंपल. और थर्ड लेवल होता है अथॉरिटी का लोकल गवर्नमेंट, रीजनल लेवल. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाहौर के कुछ रूल्स और होंगे, इस्लामाबाद के रूल्स और होंगे. तो लोकल लेवल के ऊपर जो अथॉरिटी होती है, डेफिनेटली लोकल लेवल की जो अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट से ही आती है ना. जैसे प्रोविंशियल लेवल की जो अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट से ही ड्रॉ की जाएगी ना, नेशनल गवर्नमेंट ही उस अथॉरिटी को आप तक ट्रांसफर करेगी. तो प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट के कुछ अपने कवानीन होते हैं, पंजाब के कुछ अपने कवानीन होंगे, दूसरे प्रोविंसेस के अपने अपने रूल्स होंगे. सो दीज आर द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट उन्हें लुक आफ्टर कर रही होती है, ठीक है. यहाँ पे हमारी लीगल फैक्टर्स की टाइप स्टार्ट होंगी. हमने पांच टाइप पढ़ी है लीगल फैक्टर्स की, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, कॉम्पिटिशन लॉज, एंड द लास्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. तो हमने पांच किस्म के लॉज पढ़ने हैं जो कि डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. कल होपफुली हम इसमें से एम्प्लॉयमेंट लॉ डिस्कस करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम ने अलाउ किया तो हम डेटा प्रोटेक्शन लॉज को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. इनफैक्ट लीगल फैक्टर्स जो है वो इंशाल्लाह वीक का टॉपिक है. फ्राइडे को सिर्फ टेस्ट है आपका, फ्राइडे को हम क्लास नहीं कर पाएंगे, आई वॉन्ट बी अवेलेबल इन लाहौर प्रॉबेबली. तो फ्राइडे को आफ्टर जुम्मा इंशाल्लाह आपका रिमेनिंग पार्ट का टेस्ट कैलकुलेट होगा.
जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो रिकॉर्डिंग सुन लें, वैसे किसी को कोई क्वेरी हो तो यू ऑलवेज व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है जी। क्लियर, सो फार सो गुड, चलें इंशाल्लाह सी यू टुमारो, कल होगी आप सबसे मुलाकात, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।